हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। दोस्तों, आज पीएनबी के शेयर में डेफिनेटली लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिली है। क्या ये तेज़ी अब बड़ी तेज़ी में तब्दील होती हुई देखने को मिलेगी और क्या फिर से ये शेयर आपको 60 रुपये के लेवल्स पर दिखाता हुआ देखने को मिलेगा, सब पर इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या होंगे 29 मई के यानी मंडे के टारगेट, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल दोस्तों खबरें निकल कर आई थी, कल नहीं तो दो दिन पहले खबरें निकल कर आई थी शेयर खान की तरफ से कि उन्होंने फिर से टारगेट रिवाइज करें और 64 रुपये के लक्ष्य इस बार फिर से दिए गए इस काउंटर में। और डेफिनेटली उसके बाद स्टॉक में एक बार तेजी तो आई, लेकिन फिर कल के दिन गिरावट और आज के दिन तेजी होती हुई देखने को मिली है। प्लस खबरों की बात करें तो अभी दोस्तों लास्ट 6 दिन पहले खबर आई थी वो कंपनी के रिजल्ट्स की, एंड कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, उस पर भी हमने वीडियो बना दिया है। तो अगर आपको डिविडेंड से रिलेटेड कोई क्वेरी तो जरूर मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। एंड अगर बात करें दोस्तों लास्ट कुछ महीनों की, तो लास्ट में आप देख सकते हैं 1 मंथ में 9% का फॉल इस स्टॉक में आया है। एंड उसके बाद डेफिनेटली स्टॉक ने 3% की रिकवरी जरूर करी है, बट अभी भी ये काउंटर हायर लेवल से लगभग 6% नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी ये काउंटर भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मिंग जोन पर एक काउंटर अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज अगर अपन बात करें निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स की, तो आज फिर से 4,000 के पार ये इंडेक्स निकलता हुआ देखने को मिला है। 48 अंकों की तेजी इस इंडेक्स में होती हुई देखने को मिली है। और इस इंडेक्स के अंदर दोस्तों पीएनबी टॉप 5 की कैटेगरी में रहता हुआ देखने को मिला। आप यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा तेज़ी पंजाब सिंध, फिर बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, कैनरा बैंक, एंड आफ्टर दैट पीएनबी। डेफिनेटली पीएनबी ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। एंड अगर अपन कंपनी की स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो यहाँ पर आप बुक वैल्यू देखिए 85 की है कंपनी की, एंड अभी काउंटर ट्रेड कर रहा है 50 के लेवल्स पर। तो डेफिनेटली ओवरसोल्ड जोन तो है ही, प्लस अंडर वैल्यूएशन भी इस काउंटर में बड़ी है। ईपीएस की बात करें तो 3 रुपये की कंपनी की ईपीएस है, एंड फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये पर शेयर की है। वहीं अब अगर बात करें दोस्तों स्टॉक के 52 वीक हाई की, तो करेंटली ये काउंटर 19% के करेक्शन पर मिल रहा है अपने 52 हफ्तों के हाई से। एंड यहाँ पर अगर अपन देखें आज के दिन की ब्लॉक डील्स की बात करें, तो आज 10 ब्लॉक डील हुई है स्टॉक में, प्लस लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ देखने को मिला है। तो ये एक और अच्छी बात है कि स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं इस काउंटर के अंदर, शॉर्ट बिल्डअप नहीं है एंड शॉर्ट कवरिंग भी नहीं है, तो ये काफी बढ़िया बात है। वहीं अब अगर बात करें स्टॉक के रेजिस्टेंस की, तो मेजरली दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल 52 रुपये का रेजिस्टेंस है। वो एक बार 52 रुपये के ऊपर ये शेयर निकल जाएगा तो डेफिनेटली बढ़िया ब्रेकआउट होगा। कल भी मैंने वीडियो बनाया था तो उस पर यही कहा था कि 52 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 52 का लेवल अगर ये शेयर क्लियर करेगा तो डेफिनेटली एक बढ़िया ब्रेकआउट आपको इस काउंटर में बनता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें आज की वॉल्यूम की, तो 2 दिन से लगातार दोस्तों 3 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम आ रही है इस काउंटर में। कल के दिन दोस्तों 23% का डिलीवरी परसेंटेज था, उसके बावजूद भी आज स्टॉक में तेजी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बैंक निफ्टी का एक सर्ज है। बैंक निफ्टी में डेफिनेटली शानदार मोमेंटम है, और जब जब बैंक निफ्टी में मोमेंटम होता है तब तक पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स तो आपको जरूर बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं स्टॉक के इंट्राडे के चार्ट्स पर और कल के लॉन्ग टर्म के टारगेट्स पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्टॉक के चार्ट्स पर आ गए हैं। आरएसआई लेवल अगर आप देखेंगे तो लगभग दोस्तों आरएसआई लेवल स्टॉक का 48 के आसपास है। एंड यहाँ पर आप देखिए दोस्तों स्टॉक में कैसा मोमेंटम था। पहले दोस्तों स्टॉक ने हाई लगाया 54 का, फिर गिरावट करी स्टॉक ने, फिर तेज़ी करी, एंड फिर अभी स्टॉक तेज़ी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक बार अगर ये जो लेवल है, यहाँ ये जो लेवल है 51-52 का, ये लेवल अगर शेयर क्लियर कर देगा 51 का, तो उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर 54 तक के चांसेस बनेंगे स्टॉक में। तो मेरी यही सलाह है दोस्तों कि वेट करें आप 51 के लेवल का। 51 का लेवल अगर शेयर क्लियर कर दे तो डेफिनेटली 55 से 57 तक की जगह इस काउंटर बनेगी। और अभी जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में मोमेंटम है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी आपको तेजी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और आई थिंक सो जिस हिसाब से एसबीआई के रिजल्ट्स थे, पीएनबी के रिजल्ट्स थे, बहुत जल्दी ये स्टॉक्स आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाकर दे सकते हैं। तो मेरी यही सलाह है, इन काउंटर्स में आप होल्ड की कैटेगरी पर रहिए। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस दोस्तों 48 रुपये का स्टॉक में आप परमानेंट रख लीजिए। एंड हायर साइड पर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के अंदर अंदर 55 से 58 रुपये तक का लक्ष्य जो है वो पीएनबी के काउंटर में आपको जरूर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अब अगर लॉन्ग टर्म के टारगेट्स की बात करें तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इस काउंटर को आप बाय करके चले, अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करें। डेफिनेटली अगर अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कंपनी के अच्छे आते हैं इस जिस हिसाब से इस बार के आए थे, तो डेफिनेटली टारगेट 70 तक भी इस काउंटर में बनते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों एडिट फॉर वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।